हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में चॉपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE305। चॉपर्स चॉपर्स आर बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स विद वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो चॉपर्स क्या है? बेसिकली डीसी टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर है, जिसमें आउटपुट वोल्टेज आपको वेरिएबल मिलता है और इनपुट में फिक्स डीसी वोल्टेज दिया जाता है। चॉपर्स टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, इम्पल्स कम्यूटेड चॉपर। कम्यूटेड का मतलब है कि स्विच को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, वो कम्यूटेशन कहलाता है। लोड कम्यूटेड चॉपर, क्लास डी चॉपर एंड क्लास ई चॉपर। तो ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, बेसिक चॉपर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, फिक्स डीसी वोल्टेज आप इनपुट में देंगे तो वेरिएबल डीसी वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। जैसा कि इस ग्राफ में भी शो कर रखा है, फिक्स डीसी वोल्टेज इनपुट में आपने दिया, आउटपुट में आपको वेरिएबल डीसी वोल्टेज मिलेगा और आउटपुट जो है पल्स की फॉर्म में मिलेगा आपको। देखिए, कभी आपको पल्स मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से स्विचिंग ऑपरेशन के कारण ये ऐसा होगा, जब स्विच ऑन होगा तो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, जब स्विच ऑफ होगा तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो एवरेज वोल्टेज मिलेगा आपको, वो वेरिएबल मिलेगा आपको। एवरेज वोल्टेज चेंज कैसे होगा? अगर स्विच जब ऑन है या ऑफ का टाइम अगर चेंज हो जाएगा तो वेरिएबल एवरेज वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा। स्विच को अगर ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रखेंगे तो एवरेज वोल्टेज आउटपुट में ज़्यादा मिलेगा, अगर स्विच को कम टाइम के लिए ऑन रखेंगे तो वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट डीसी कम मिलेगा आपको। तो इस तरह से चॉपर जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, फिक्स वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जैसा ये एक बेसिक सर्किट दिखाया गया है स्टेप डाउन चॉपर का, जिसमें एक स्विच है, एक इंडक्टर है लोड के सीरीज में कनेक्टेड है और एक फ्लाईव्हील डायोड जो है जो लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है इंडक्टर के साथ में। तो देखिए, जब स्विच ऑन होगा तो लोड में करंट फ्लो होगा और ये लोड में करंट फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू। तो क्या होगा? इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा। तो जब तक स्विच ऑन है लोड में करंट फ्लो होता रहेगा और एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती रहेगी। जब आप स्विच को ऑफ कर देंगे तो अब सप्लाई वोल्टेज से करंट जो है लोड में फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है उसके कारण और फ्लाईव्हील डायोड के कारण एक क्लोज लूप बनेगा, जिसके कारण से लोड में करंट फ्लो होती रहेगी जब स्विच ऑफ है। सप्लाई से वोल्टेज आपने नहीं दिया है फिर भी लोड में करंट अब फ्लो होती रहेगी जब स्विच ऑफ है। तो ये ऑफ पीरियड में भी लोड को करंट मिलता रहेगा, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डेसिपेट होती रहेगी और जब स्विच ऑन कर देंगे तो वापस से इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होना चालू हो जाएगी और लोड में करंट भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच के ऑन ऑफ होने से जो है लोड में पावर या करंट फ्लो होती रहेगी, लेकिन लोड में पावर को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से स्विचिंग ऑपरेशन से लोड में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्टेप डाउन चॉपर की वर्किंग है। देखिए, स्विच को यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है ये जैसे SCR हो सकता है,
ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और स्विच ऑन होने से लोड में करंट फ्लो होगी, और स्विच जब ऑफ होगा तो लोड में करंट फ्लाईव्हील डायोड और इंडक्टर के थ्रू, जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो डेसिपेट होगी और लोड में करंट कंटिन्यूस आपको मिलेगी। तो इस तरह से लोड में पावर कंट्रोल होगा। देखिए वेवफॉर्म से और समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट आपने वोल्टेज फिक्स सप्लाई किया है, स्विचिंग ऑपरेशन यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे स्विच ऑन है इतने टाइम पीरियड के लिए, टी ऑन टाइम पीरियड के लिए स्विच ऑन है, और उसके बाद में स्विच ऑफ हो जाता है, टी ऑफ टाइम पीरियड के लिए स्विच ऑफ है, फिर वापस स्विच ऑन हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। इस तरह से रिपीटेशन होता रहेगा, जिसके कारण से लोड में देखिए इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा जब स्विच ऑन होगा, और जब स्विच ऑफ होगा तो इंडक्टर में करंट डिक्रीज होगा। यही करंट जो है लोड में भी फ्लो होगा, स्विच ऑन में करंट इंक्रीज होगा और स्विच ऑफ में करंट डिक्रीज होगा। तो इस तरह से वेरिएबल जो है करंट मिलेगा आपको लोड में, और एवरेज वोल्टेज ये रेड लाइन से जो दिखाया गया है, एवरेज वोल्टेज आपको लोड में मिलेगा। एवरेज वोल्टेज बेसिकली वेरिएबल है। स्विच ऑन टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच ऑन ज़्यादा टाइम के लिए जब रखेंगे तो एवरेज वोल्टेज बढ़ जाएगा, स्विच ऑन जो है कम टाइम के लिए रखेंगे आप तो एवरेज वोल्टेज घट जाएगा। तो इस तरह से एक क्वांटिटी अपन डिफाइन करते हैं, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल डिफाइन करते हैं टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड टी ऑन प्लस टी ऑफ जो है टोटल टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ड्यूटी साइकिल इज टी ऑन अपॉन टी। डी जो है ड्यूटी साइकिल स्टेप डाउन चॉपर के लिए डिफाइन किया है। डी की वैल्यू जनरली हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, या 0 और 1 भी हो सकती है, जनरली 0 और 1 के बीच में होगी। और आउटपुट जो एवरेज वोल्टेज आपको मिलेगा वो डी इंटू वी एस, मतलब इनपुट वोल्टेज इंटू डी टाइम्स आपको आउटपुट एवरेज वोल्टेज चॉपर का मिलेगा। तो डी की वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हैं, टी ऑन पीरियड को कंट्रोल करके डी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और डी की वैल्यू चेंज होने से एवरेज वोल्टेज जो आपको मिलेगा वो चेंज मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा। तो इस तरह से लोड में एवरेज डीसी वोल्टेज को आप कंट्रोल करके लोड में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली चॉपर की एप्लीकेशन लोड में डीसी पावर को कंट्रोल करने की ही है। तो इस तरह से एवरेज वोल्टेज को आप लोड में कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से एवरेज वोल्टेज इंटू करंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज पावर मिलेगा आपको। तो इस तरह से एवरेज पावर को आप लोड में कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर में देखिए सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इंडक्टर बैटरी के सीरीज में आ गया है, डायोड भी लोड के सीरीज में आ गया है, और स्विच जो है लोड के पैरेलल में आ गया है। तो ये स्टेप अप चॉपर का सर्किट है। तो इसमें देखिए इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, यही सर्किट वापस दिखाया गया है। तो जब स्विच क्लोज्ड है तो देखिए इंडक्टर में ही केवल करंट फ्लो होगा, लोड में करंट केवल लोड के इंडक्टेंस के कारण फ्लो हो सकता है। अगर लोड प्योर रजिस्टर है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लोड के खुद के इंडक्टेंस के कारण ही करंट फ्लो हो सकता है, अगर रजिस्टर है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और बैटरी के कारण इंडक्टर में करंट फ्लो होगा, करंट बढ़ेगा, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी। अब जब इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा और उसके बाद में मान लीजिए आप स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो अब लोड में करंट, एक तो इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सप्लाई करेगा और बैटरी के कारण भी करंट सप्लाई होगी।
तो लोड में जो वोल्टेज मिलेगा वो अपन को क्या मिलेगा, बैटरी वोल्टेज प्लस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है एल डी आई बाई डी टी, बैटरी वोल्टेज वी एस, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी मीन्स ज़्यादा मिलेगा, और इंडक्टर अपनी एनर्जी स्टोर्ड जो है वो भी लोड में डेसिपेट करेगा और बैटरी भी सप्लाई करेगा। तो इस तरह से जब स्विच ऑफ है तो लोड में पावर सप्लाई होगा, जब स्विच ऑन है तो लोड में पावर सप्लाई नहीं होगा, केवल इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड जो है वो बढ़ेगी। लोड इंडक्टिव है तो खुद के इंडक्टेंस के कारण लोड में कुछ करंट फ्लो हो सकता है, और अगर रेजिस्टिव है तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब स्विच ऑन है तो लोड में करंट फ्लो नहीं होगा, जब स्विच ऑफ है तब लोड में करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से ये स्टेप अप चॉपर जो है काम करेगा। वापस से वही सर्किट दिखाया गया है, इसमें लोड के अक्रॉस में देखिए एक कैपेसिटर लगा दिया, तो उससे थोड़ी चॉपर की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। जब स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होगी और लोड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब स्विच ऑन होगा। लोड में करंट तभी फ्लो होगा जब स्विच जो है ऑफ होगा, स्विच ऑफ है तो अब लोड में करंट फ्लो होगा, इंडक्टर अपनी एनर्जी को लोड में डेसिपेट करेगा और बैटरी भी लोड में करंट को सप्लाई करेगी। कैपेसिटर होने से और एनर्जी लोड में स्टोर होगी, जिससे कि लोड में करंट ऑन कंडीशन में कुछ करंट को कंटिन्यू मेंटेन किया जा सकता है। देखिए वही सर्किट दिखाया गया है चॉपर, जिसमें स्विच की जगह पे एसीआर दिखा दिया गया है और लोड के अक्रॉस कैपेसिटर भी दिखा दिया गया है। तो जब स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा। देखिए स्विच ऑन है यहाँ पे इस पीरियड में, तो इंडक्टर केवल एनर्जी स्टोर करेगा और इंडक्टर में करंट बढ़ेगी, और जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो लोड में करंट पावर फीड करने से इंडक्टर की एनर्जी डेसिपेट होगी, जिससे कि करंट घटेगी, इंडक्टर में करंट घटेगी क्योंकि इंडक्टर की एनर्जी डेसिपेट हो रही है। तो ये जो करंट है ये इंडक्टर में भी करंट है और लोड में भी करंट है, सेम रहेगा क्योंकि इंडक्टर और लोड सीरीज में है। जब स्विच ऑन है तो करंट इंक्रीज होगा और स्विच ऑफ है तो करंट डिक्रीज होगा, लेकिन कंटिन्यूस करंट जो है इंडक्टर में फ्लो होता रहेगा, ऑन पीरियड में इंक्रीज होगा और ऑफ पीरियड में डिक्रीज होगा। तो देखिए स्टेप अप चॉपर की वेवफॉर्म देखें, तो जब स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा और स्विच ऑफ होगा तो इंडक्टर में करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि ये लोड को एनर्जी सप्लाई करेगा। तो टी ऑफ पीरियड में लोड में आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, टी ऑन पीरियड में लोड में आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि लोड बाईपास हो गया, केवल इंडक्टर में एनर्जी इंक्रीज होगी और इंडक्टर की करंट इंक्रीज होगी। फिर जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो फिर लोड में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो उसी तरह से क्योंकि इंडक्टर और लोड सीरीज में है, तो जब इंडक्टर में करंट कम होगी तो लोड की करंट भी वैसी ही आपको मिलेगी जैसे कि इंडक्टर की करंट है, और जब स्विच ऑन होगा तो लोड बाईपास हो जाएगा, जिससे कि लोड में कोई करंट आपको नहीं मिलेगा। अगर प्योर रेजिस्टिव लोड है तो, और अगर कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो कुछ करंट लोड में कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो ये आइडियल केस में रेजिस्टिव लोड के लिए आपको वेवफॉर्म दिखाई गई है। एवरेज वोल्टेज आउटपुट में वी एस अपॉन वन माइनस डी मिलेगा, जिसको डी की वैल्यू टी ऑन अपॉन टी रखेंगे तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा टी अपॉन टी ऑफ इंटू वी एस। तो देखिए जब टी ऑफ कम होगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा,
टी ऑफ कम होगा क्योंकि इंडक्टर की एनर्जी जो कांस्टेंट है जो स्टोर कर लेगा वो लोड को सप्लाई करेगी, तो जितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वो सारी सारी लोड को सप्लाई करेगा। तो अगर आप कम पीरियड के लिए स्विच को ऑफ रखेंगे तो वोल्टेज आउटपुट पल्स आपको ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा पीरियड के लिए ऑन रखेंगे तो वोल्टेज आउटपुट पल्स आपको कम मिलेगा। तो इस तरह से अगर टी ऑफ की वैल्यू कम होगी तो आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा लेकिन कम ड्यूरेशन का मिलेगा। तो इस तरह से जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट से भी ज़्यादा मिलेगा तो इस तरह से आप इसको स्टेप अप चॉपर का नाम दिया गया है इसको। टी ऑफ कम होने से आपको आउटपुट वोल्टेज जो है ज़्यादा मिलेगा। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है बेसिकली, एवरेज वोल्टेज नहीं है। एवरेज वोल्टेज तो अपने हिसाब से ही मिलेगा लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपको दिखाया गया है कि टी ऑफ कम होने से आउटपुट वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से ये स्टेप अप चॉपर काम करता है। तो वोल्टेज इम्पल्स कम्यूटेटर चॉपर नेक्स्ट, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें दो SCR है, T1 जो कि मेन SCR है और T2 जो है ऑक्सिलरी SCR है, और उसके पैरेलल में एक डायोड और इंडक्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं और एक कैपेसिटर भी जो है जोड़ा गया है। लोड के अक्रॉस एक फ्लाईव्हील डायोड लगाया गया है। तो इस तरह से ये वोल्टेज कम्यूटेटर चॉपर का सर्किट दिखाया गया है। इसमें एट ए टाइम दोनों SCR में से एट ए टाइम एक SCR ऑन होगा और एक SCR ऑफ होगा। मेन SCR T1 है और ऑक्सिलरी SCR T2 है। तो जब मेन SCR ऑन होगा तो लोड में कर पावर जो है सप्लाई होगा मेन SCR के थ्रू, और जब मेन SCR ऑफ होगा तो लोड में पावर सप्लाई नहीं होगा और केवल लोड के इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो फ्लाईव्हील डायोड के थ्रू जो है इसमें सर्कुलेट होती रहेगी। तो जब मेन ऑक्सिलरी SCR ऑफ होगा तो लोड में कोई पावर सप्लाई नहीं होगा बैटरी से, और जब मेन SCR ऑन होगा तब बैटरी से जो है लोड में पावर सप्लाई होगा। तो ये जो सर्किट दिखाया गया है ये बेसिकली कम्यूटेशन के लिए, कम्यूटेशन का मतलब है SCR मेन SCR को ऑफ कैसे किया जाए उसका सर्किट दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज्ड है और मेन SCR अभी ऑफ है। तो जब आप मेन SCR को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर जो है मेन SCR के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए ये सर्किट बनेगा, एक क्लोज लूप बनेगा जिससे कि कैपेसिटर मेन SCR के थ्रू डिस्चार्ज होगा और मेन SCR जो है लोड में भी करंट को सप्लाई करेगा। इसी पीरियड में जब मेन SCR ऑन होगा तो बैटरी से पावर जो है लोड में भी सप्लाई होगी और कैपेसिटर जो है मेन SCR के थ्रू और इंडक्टर और डायोड सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होगा। और इसी ड्यूरेशन में जो है कैपेसिटर रिवर्स पोलरिटी में चार्ज हो जाएगा, ये पॉइंट बी पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा और ए पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। तब कैपेसिटर जब रिवर्स पोलरिटी में फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अब रिवर्स पोलरिटी में करंट ड्रॉ करना बंद कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑक्सिलरी SCR T2 को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर देखिए रिवर्स पोलरिटी में चार्ज है, बी पॉइंट पॉजिटिव है, ए पॉइंट अब नेगेटिव हो गया है। तो जैसे ही आप ऑक्सिलरी SCR को ऑन करेंगे ये मेन SCR को रिवर्स बायस कर देगा। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है रिवर्स डायरेक्शन में वो मेन SCR को रिवर्स बायस कर देगा जिससे कि मेन SCR अब ऑफ हो जाएगा। इसी को अपन कम्यूटेशन भी बोलते हैं। वोल्टेज इम्पल्स के कारण मेन SCR को आपने ऑफ कर दिया। अब जब मेन SCR ऑफ हो जाएगा तो लोड में करंट फ्लो होना मेन SCR से बंद हो जाएगा और कुछ करंट ऑक्सिलरी SCR से फ्लो हो सकता है। कब तक? जब तक कि कैपेसिटर वापस ओपोजिट पोलरिटी में चार्ज फुल्ली नहीं हो जाए। जब कैपेसिटर वापस इसी ओपोजिट पोलरिटी में चार्ज फुल्ली हो जाएगा, ये लूप बनेगा देखिए आप,
कैपेसिटर की वापस रिवर्स चार्जिंग होगी, जिससे कि अब कैपेसिटर का पॉइंट ए जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर करंट ड्रॉ करना बंद कर देगा और कैपेसिटर भी अब ऑफ हो जाएगा, मीन्स करंट ड्रॉ करना बंद कर देगा। तो जब कैपेसिटर करंट ड्रॉ करना बंद कर देगा तो SCRT2 जो है इसमें भी करंट फ्लो बंद होना बंद हो जाएगा और इसका करंट जो है इसके होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, तो ये T2 SCR ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फिर जब आप वापस से T1 SCR को जब ऑन करेंगे तो वापस वही कंडीशन डेवलप होगी कि कैपेसिटर अब T1 के थ्रू हैवीली डिस्चार्ज होगा इंडक्टर और डायोड के थ्रू, तो जिससे कि T1 SCR जल्दी से ऑन हो जाएगा और लोड में करंट बैटरी के थ्रू सप्लाई करेगा। और इसी ड्यूरेशन में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कैपेसिटर इंडक्टर और डायोड के थ्रू डिस्चार्ज भी होगा और वापस रिवर्स पोलरिटी में चार्ज होना चालू हो जाएगा, जिससे कि जब भी आप T2 SCR को ऑन करेंगे, जिससे कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है T1 SCR को रिवर्स बायस कर सके, जिससे कि T1 SCR ऑफ हो सके। तो इस तरह से वोल्टेज कम्यूटेड या इम्पल्स कम्यूटेड चॉपर जो है काम करेगा। बेसिकली मेन SCR को ऑफ कैसे किया जाए, ये कम्यूटेशन टेक्निक कहलाती है, और इसमें इम्पल्स के द्वारा जो है मेन SCR को ऑफ किया जा रहा है। एक ये दूसरा सर्किट है वोल्टेज कम्यूटेड चॉपर का, जिसको मॉर्गन चॉपर भी बोलते हैं। इसमें देखिए, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगाया गया है और एक डायोड पैरेलल में लगाया गया है। D2 डायोड जो है फ्लाईव्हील डायोड है लोड के अक्रॉस, मेन SCR T1 है। तो इसकी भी वर्किंग करीब करीब सिमिलर ही है। इनिशियली आप देखिए, जो है कैपेसिटर मान लीजिए इस पोलरिटी में चार्ज है। अब जैसे ही आप T1 SCR को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर T1 SCR के थ्रू डिस्चार्ज होगा और रिवर्स पोलरिटी में चार्ज होना चालू कर देगा। और जब रिवर्स पोलरिटी में जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये एक सैचुरेबल रिएक्टर है, इंडक्टर है, बेसिकली सैचुरेबल इंडक्टर है। तो सैचुरेबल इंडक्टर के कारण क्या होगा, जब भी SCR ये इंडक्टर सैचुरेट हो जाएगा तो हैवी करंट ड्रॉ करेगा, इससे कि SCR जल्दी से रिवर्स डायरेक्शन में जो है चार्ज हो जाता है। और इससे क्या होगा, जब कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा तो ये SCR को रिवर्स बायस कर देगा, मेन SCR को, जिससे कि रिवर्स बायस के कारण ये SCR ऑफ हो जाएगा और लोड में पावर सप्लाई करना बंद कर देगा। अब जब भी नेक्स्ट टाइम वापस से आप T1 SCR को ऑन करेंगे, कैपेसिटर जो है वापस से डिस्चार्ज होगा और लोड में पावर सप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में वापस से जब चार्ज होगा तो SCR को वापस रिवर्स बायस कर देगा। तो इस तरह से मेन SCR को ऑन ऑफ करने का ये सर्किट है। और जब कैपेसिटर रिवर्स पोलरिटी में जब पहले चार्ज हो चुका है तो इस सर्किट से भी जो है स्पीडली ये वापस इस पोलरिटी में चार्ज होना कैपेसिटर चालू कर देगा। तो इस तरह से ये T1 SCR को ऑफ करने का सर्किट है। ये भी वोल्टेज कम्यूटेड चॉपर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है लोड कम्यूटेड चॉपर। ये लोड कम्यूटेड चॉपर का सर्किट दिखाया गया है, जिसमें चार SCR है, T1 T2 T3 T4 और बीच में एक कैपेसिटर लगाया गया है। लोड में के सीरीज में इंडक्टर और फ्लाईव्हील डायोड लगाया गया है। तो देखिए, एट ए टाइम दो SCR ऑन होंगे, T1 T2 मान लीजिए ऑन है तो लोड में करंट T1 T2 के थ्रू कैपेसिटर के थ्रू लोड में करंट सप्लाई होगा। और इसके सीरीज में देखिए आप, कैपेसिटर है और इंडक्टर भी सीरीज में आ रहा है, तो ये एक रेजोनेंट सर्किट बनाता है, जिससे कि वोल्टेज कैपेसिटर जो है इस पोलरिटी में ज़्यादा वोल्टेज में चार्ज हो जाता है।
तो जब कैपेसिटर ज़्यादा वोल्टेज में चार्ज हो जाता है तो ये जो टी वन और टी टू एस सी आर है इसको रिवर्स बायस कर देता है, जिससे कि टी वन और टी टू एस सी आर जो है में करंट डिक्रीज होने लगती है और ये दोनों एस सी आर ऑफ हो जाते हैं। ऑफ पीरियड में केवल इंडक्टर के कारण लोड में और फ्लाईव्हील डायोड के कारण लोड में करंट फ्लो होगी। जब मेन एस सी आर जब ऑफ हो जाएंगे तो बैटरी से पावर फ्लो नहीं होगा, केवल लोड में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके कारण या इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके कारण करंट फ्लो होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप टी थ्री और टी फोर एस सी आर को ऑन कर देंगे तो करंट, देखिए कैपेसिटर में डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा लेकिन लोड में करंट का डायरेक्शन वही रहेगा क्योंकि डीसी है लोड में। अब कैपेसिटर देखिए रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना चालू करेगा क्योंकि कैपेसिटर में करंट अब रिवर्स हो गई है, तो ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा। और क्योंकि रेजोनेंट सर्किट बनाता है कैपेसिटर इंडक्टर के साथ में तो ज़्यादा वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, जब ज़्यादा वोल्टेज तक चार्ज होगा तो ये टी फोर और टी थ्री एस सी आर को में करंट कम हो जाएगी होल्डिंग करंट से और इन एस सी आर को ये ऑफ कर देगा, या ऐसा भी कह सकते हैं इनको रिवर्स बायस करने से करंट इनमें कम हो जाएगी, जिससे कि ये दोनों एस सी आर ऑफ हो जाएंगे। अब लोड में पावर जो है डीसी बैटरी से सप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्विच ऑफ हो गया। अब तो ऑफ पीरियड में लोड में करंट केवल लोड की खुद की एनर्जी के कारण या इंडक्टर की एनर्जी के कारण फ्लो होगा, ऑन पीरियड में जो है पावर डीसी सोर्स से लोड में फ्लो होगा। तो इस तरह से ये लोड कम्यूटेटेड चॉपर जो है काम करेगा सर्किट, लोड में ऑन ऑफ होने के कारण पावर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट देखिए क्लास डी चॉपर, या जिसको टू क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं, क्लास डी चॉपर का सर्किट इसमें बताया गया है। एक ब्रिज में लोड को ब्रिज में कनेक्ट किया गया है, दो एस सी आर है स्विच, जो कि एस सी आर स्विच है, स्विच वन एंड स्विच टू, और बाकी दो डायोड हैं डी वन एंड डी टू, इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। तो देखिए जब स्विच ऑन होंगे तो लोड में पावर या करंट फ्लो होगा इस पाथ के थ्रू। देखिए लोड में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और लोड का खुद का वोल्टेज की पोलैरिटी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो जब स्विच ऑन होंगे तो बैटरी से लोड में करंट फ्लो होगा और लोड में पावर फ्लो होगा। तो इस केस में अपन ने लोड करंट को पॉजिटिव माना है, लोड वोल्टेज को पॉजिटिव माना है, तो इस केस में क्या होगा, बैटरी जो है लोड में पावर को सप्लाई करेगी। तो ये लोडिंग कंडीशन कहलाएगी, जिसमें बैटरी से पावर जो है लोड में फ्लो हो रहा है। अब जब ये स्विच ऑफ हो जाएंगे किसी भी तरह से, जो इसका कम्यूटेशन सर्किट यूज़ किया गया है मान लीजिए, तो उस कारण से स्विच ऑफ हो जाएंगे तो लोड में पावर फ्लो होना बंद हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें लोड में एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाती है इंडक्टर के कारण, क्योंकि लोड में इंडक्टर है, हैवी इंडक्टर है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये एनर्जी स्टोर जो है डेसिपेट होगी, कैसे, स्विच CH1 और CH2 तो ऑफ हो गए लेकिन इन डायोड के थ्रू जो है करंट का डायरेक्शन वही रहेगा, अब पावर वापस लोड से बैटरी में फ्लो होगा। ऐसी स्थिति आ सकती है जब लोड में एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो गई हो इंडक्टर के कारण या किसी और वजह से लोड में एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो गई हो, तो लोड वापस जो है कुछ एनर्जी जो है वापस बैटरी को फीड कर देगा। देखिए ये करंट का डायरेक्शन होगा। अब इसमें देखिए लोड में करंट का डायरेक्शन तो वही रहा है लेकिन अब लोड जो है एक तरह से जनरेटर का काम कर रहा है, तो लोड की पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ये पॉजिटिव हो जाएगा ई पॉइंट और बी पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखिए कि लोड में वोल्टेज का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो ये वाला जो ब्लॉक है इस कंडीशन में, ये वाला ब्लॉक वर्किंग कंडीशन में है और इस केस में लोड जो है एज ए जनरेटर काम कर रहा है,
या लोड जो है जो वापस बैटरी को पावर फीड कर रहा है, तो इसमें लोड जो है एज ए जनरेटर या जनरेटिंग कंडीशन में काम करेगा और बैटरी लोड की तरह काम करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि लोड में पावर फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है या लोड जनरेटिंग कंडीशन में हो गया है। तो ये केस तब होगा जब देखिए लोड में करंट का डायरेक्शन तो वही है लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, ई पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, बी पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कि करंट या पावर जो है लोड से बैटरी में फ्लो होगा। ये तब होता है जब लोड में कुछ ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है, ओवर एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो लोड वापस जो है बैटरी को पावर फीड कर देता है। ये रीजनरेटिव मोडिंग मोड कहलाता है, लोड का रीजनरेटिव मोड कहलाता है। तो देखिए इस सर्किट में ये दिखाया गया है कि अब करंट लोड का करंट तो उसी डायरेक्शन में है, बैटरी को फ्लो हो रहा है और लोड की पोलरिटी जो है रिवर्स हो गई है। अब लोड का पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया, नेगेटिव पॉइंट ये हो गया, तो वोल्टेज का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन लोड में वही है। अब लोड जो है बैटरी को पावर सप्लाई कर रहा है इस कंडीशन में, तो ये रीजनरेटिव मोड कहलाता है। तो इस तरह का ऑपरेशन जिसमें दो क्वाड्रेंट में आप पावर के फ्लो का डायरेक्शन कर सकते हैं, इसको टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्लास ई ऑपरेशन या क्लास ई चॉपर जिसको फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोलते हैं। तो देखिए ये फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन का सर्किट डायग्राम है, वैसा ही है, केवल देखिए डायोड की जगह के सी मतलब स्विच यानी कि SCR लगा दिए गए हैं और डायोड भी पूरे दोनों साइड में ब्रिज में लगा दिए गए हैं, डायोड D1 D2 D3 D4 और स्विच CH1 CH2 CH3 CH4 और बीच में लोड। यहाँ पे लोड मान लीजिए एक DC मोटर है, DC मोटर की स्पीड जो है कंट्रोल की जा रही है, क्योंकि DC मोटर में अगर एवरेज वोल्टेज वेरिएबल होगा तो DC मोटर की स्पीड जो है कंट्रोल होगी। अगर DC मोटर की पोलरिटी आप रिवर्स कर देंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, और उसी तरह से अगर DC मोटर की स्पीड को आप सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा बढ़ा दें तो वो मोटर की तरह नहीं काम करके और एक जनरेटर की तरह काम करेगी। तो इस तरह से DC मोटर का ऑपरेशन होता है, वोल्टेज की पोलरिटी रिवर्स करने से रोटेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अगर स्पीड आप किसी मीन से सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा बढ़ा दें तो वो जनरेटर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है, वो स्लोप डाउन मतलब डाउनवर्ड स्लोप में चल रही है, तो उस केस में क्या होती है कि लुढ़कने के कारण जो है स्पीड बढ़ जाती है। और मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है और DC मोटर से चलाई जा रही है तो उसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा हो सकती है। तो उस केस में एनर्जी जो है ये लोड मतलब मोटर की तरह, ये मोटर की जगह ये जनरेटर बन जाएगी और लोड जो है अब बैटरी मतलब सोर्स को पावर फीड करेगा, तो एक तरह से ये जनरेटिंग मोड में आ जाती है। तो देखें किस तरह से ऑपरेशन होता है कि मान लीजिए स्विच CH1 और CH4 जो है क्लोज है, तो अब क्या होगा, बैटरी जो है से DC मोटर में करंट फ्लो होगा और मोटर एक डायरेक्शन में चलेगी, मोटर जो है एक डायरेक्शन में चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए। तो इस केस में बैटरी से पावर DC मोटर को फ्लो हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड मोटरिंग मोड कहलाता है जिसमें CH1 एंड CH4 ऑन है। और जब देखिए करंट ऐसे लोड में फ्लो हो रहा है तो CH4 ऑन होने से कुछ एनर्जी इंडक्टर के कारण इस लूप में भी फ्लो होगी, जिसके कारण D2 और D4 CH4 में भी कुछ करंट जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखिए D2 और CH4 भी ऑन है, तो ये फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है जिसमें पावर जो है बैटरी से लोड को सप्लाई किया जा रहा है।
सेकंड मोड जो मैंने आपको बताया था कि अब ये मोटर मान लीजिए जनरेटर बन जाती है, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा दें सिंक्रोनस स्पीड से तो जनरेटर बन जाएगी, तो करंट तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा लोड में, लेकिन अब ये बैटरी को पावर जो है फीड करेगी। तो देखिए D2 और D3 डायोड के थ्रू अब मोटर जो है बैटरी को पावर फीड करेगी, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड जनरेटिंग, जिसमें आप देखिए D3 और D2 ऑन है। ये देखिए D2 और D3 ऑन है, जिसमें मोटर जो है अब जनरेटर बन गई है ओवर स्पीड के कारण, और ये बैटरी को पावर फीड कर रही है। तो ये फॉरवर्ड जनरेटिंग मोड हो गया, जिसमें वोल्टेज का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन अभी भी वही है। तो इस तरह से ये बैटरी को पावर फीड करेगी, करंट का डायरेक्शन वही है। और कुछ करंट जो है, मान लीजिए CH4 जो है ऑफ नहीं होता है, तो कुछ करंट लूप में सर्कुलेट हो सकती है, तो CH4 और D2 ऑन रहेंगे उस वक्त, जिसे इंडक्टेंस के कारण जो है कुछ एनर्जी लूप में फ्लो हो सकती है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब सेकंड केस में मान लीजिए कि CH3 और CH2 स्विच को आपने ऑन किया, CH1 और CH4 को ऑफ कर दिया है मान लीजिए, तो अब देखिए मोटर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मोटर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। देखिए पहले जो करंट का डायरेक्शन था उसके रिवर्स हो गया है, तो अब मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, मोटर अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि मोटर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। तो ये रिवर्स मोटरिंग हो गया, मोटर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया और वोल्टेज का डायरेक्शन भी रिवर्स है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स है तो वोल्टेज का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया पहले से, तो अब ये रिवर्स मोटरिंग का केस हो गया। और उसी तरह से रिवर्स जनरेटिंग का केस हो सकता है, जब स्पीड आपकी बढ़ जाए, स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाए, तो ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन तो यही रहेगा, लेकिन अब ये बैटरी को पावर फीड करेगी डायोड D4 और D1 के थ्रू, डायोड D4 और D1 के थ्रू। तो देखिए D1 और D4 ऑन है, अब मोटर के वोल्टेज का डायरेक्शन वापस से रिवर्स हो गया, तो ये ऊपर आ गया ये ब्लॉक, तो D1 और D4 के थ्रू जो है देखिए करंट अब बैटरी को सप्लाई किया जा रहा है, मोटर अब जनरेटर बन गया है। तो ये हो गया रिवर्स डायरेक्शन में जनरेटिंग। अब चूंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो कुछ इंडक्टेंस के कारण करंट CH3 और D1 में भी फ्लो हो सकता है, सॉरी CH2 और D4, CH2 और D4 इसमें, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो ये है रिवर्स, CH2 और D4 में कुछ इंडक्टेंस के कारण करंट सर्कुलेट हो सकता है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए क्योंकि इंडक्टेंस के कारण जो है SCR जल्दी से ऑफ नहीं होता है, तो कुछ करंट इसमें सर्कुलेट हो सकता है, इसलिए इसको CH2 D4 को ऑन दिखाया गया है, बाकी मेजर रूप में D1 और D4 के थ्रू जो है अब मोटर जनरेटर बन के बैटरी को पावर्स रिवर्स डायरेक्शन में फीड करेगी। तो ये हो गया रिवर्स जनरेटिंग मोड। तो इस तरह से देखिए चार क्वाड्रेंट में आप ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। मोटर को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला सकते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग, मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हैं रिवर्स मोटरिंग, फॉरवर्ड जनरेटिंग एंड रिवर्स जनरेटिंग मोड में चला सकते हैं। तो चार क्वाड्रेंट जो है ये कहलाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लास ई चॉपर या फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ये सर्किट दिखाया गया है सेम, जिसमें मोटर का खुद का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाया गया है, क्योंकि मोटर में देखिए एक बैक ईएमएफ होता है, एक रेजिस्टेंस होता है मोटर का खुद का, और मोटर का खुद का इंडक्टेंस होता है जो कि पिक्चर में आएगा। तो
तो बेसिकली ये मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, वही सर्किट वापस रिपीट किया है सेम, केवल मोटर का सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल लोड की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये लेक्चर चॉपर का यहीं पे कंक्लूड होता है। थैंक यू।